2014 में मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस किया था कि 2019 में हमें कैप्टन मार्वल की मूवी देखने को मिलेगी, पर 2014 से लेके आज तक हमें कुछ ही बातें पता चली हैं इस मूवी के बारे में। Hi, Captain Marvel. Hey guys, good to see you all happy, healthy and not exploded. मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म किया है कि ये आने वाली मूवी बेस्ड होगी कंट्रोवर्शियल मार्वल कैरेक्टर कैरल डेनवर्स पर। हम में से कई फैंस जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स में कैरल डेनवर्स 2012 में ही कैप्टन मार्वल बनी, और इससे पहले उन्हें जाना जाता था मिस मार्वल के नाम से। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 में आने वाली मूवी कैप्टन मार्वल के बारे में। स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मार्वल कॉमिक्स में एक से ज्यादा कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल है। कैरल डेनवर्स 1968 से ही मार्वल कॉमिक्स का हिस्सा है और वो मिस मार्वल रही 1977 से लेकर 2012 तक, और कैप्टन मार्वल बनी 2012 में। हालांकि इस बीच कई कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल आए। मार्वल कॉमिक्स में ओरिजिनल कैप्टन मार्वल थे मार्वल, एक मेल क्री एलियन। कैरल डेनवर्स को अपनी पावर्स मार्वल से ही मिली जब एक साइक मैग्नेट्रॉन फ्यूजन में मार्वल का डीएनए कैरल के डीएनए से जा मिला। साथ ही साथ कुछ फीमेल कैरेक्टर्स और हैं जो मिस मार्वल का टाइटल यूज कर चुकी हैं, जैसे कि शैरन वेंचुरा, कार्ला सोफिन, और हाल ही में सबसे फेमस मिस मार्वल बनी कमाला खान, मार्वल कॉमिक्स की पहली मुस्लिम सुपर हीरो। मिस मार्वल, यू वांट टू फिनिश हिम? यू आर टोटली माय थर्ड फेवरेट एवेंजर अगेन। नंबर 2, कैरल डेनवर्स यूएस एयरफोर्स में सर्विस वुमन थी। कॉमिक्स में कैरल डेनवर्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो कोई सुपर हीरो नहीं थी, बल्कि वो मेंबर थी यूएस एयरफोर्स की। कैरल ने 18 की एज से ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली और आगे चल के मेजर की रैंक गेन करी। How you doing there, Army? Lose your lunch a little? I'm doing just fine, Air Force. पर बाद में कैरल ने डेली ब्यूगल के वुमन मैगजीन में एडिटर की पोस्ट संभाली। पर कैरल फैशन और लाइफस्टाइल के बारे में लिखने के बजाय वुमन लीडरशिप के बारे में ज्यादा लिखती थी, जिसकी वजह से जे जोना जेमिसन ने उसे निकाल दिया। नंबर 3, कैप्टन मार्वल ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स के बीच का लिंक है। साइक मैग्नेट्रॉन फ्यूजन के बाद कैरल एक जीती जागती फ्यूजन बन गई ह्यूमन और क्री जेनेटिक्स का, जिसकी वजह से उसे उसकी पावर मिली और वो मिस मार्वल बनी। You said we should have called no take backs. This is a billion dollar sky base, Falcon. Oh, dang. कैप्टन मार्वल एक स्पेस ट्रैवलिंग सुपर हीरो है, जिसकी वजह से वो ही लिंक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स के बीच का। पर कैप्टन मार्वल के स्क्रीन प्ले राइटर ने रिसेंटली ये रिवील किया कि मूवी में कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टोरी को मॉडिफाई किया जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये क्लियर नहीं है कि कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टोरी क्या होने वाली है और उस स्टोरी में आउटर स्पेस की बात की जाएगी या नहीं। नंबर 4, कैप्टन मार्वल कई सुपर हीरो टीम का पार्ट बन चुकी है। कैरल डेनवर्स ने कई सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, अर्थ पे भी और स्पेस में भी। कैरल डेनवर्स मेंबर रह चुकी है एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, डिफेंडर्स, एक्समैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्टार जैमर्स की। अभी कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल मेंबर है अल्टीमेट्स की, एक सुपर हीरो टास्क फोर्स जो कि गैलेक्सी के थ्रेट्स का पता लगाते हैं। नंबर 5, कैप्टन मार्वल के पास हद से ज्यादा सुपर पावर्स हैं। कैरल डेनवर्स के पास कई सारी पावर्स हैं। उसके पास सुपर पावर्स आने से पहले वो एक जबरदस्त पायलट और कमाल की मिलिट्री ऑफिसर थी, और ये सारी चीजें तब और एनहांस हो गई जब उसको उसकी सुपर पावर्स मिली। कैप्टन मार्वल के पास जो पावर्स हैं वो हैं सुपर स्ट्रेंथ, उड़ने की पावर, साउंड के स्पीड जितनी वेलोसिटी, साइकिक पावर्स, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, और साथ ही साथ वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती है। कैप्टन मार्वल पूरे मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एवेंजर है। नंबर 6, मिस मार्वल का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरल डेनवर्स 1968 तक सपोर्टिंग रोल में ही दिखी, पर 1977 में जेरी कॉनवे ने डेनवर को मिस मार्वल बनाया, एक सुपर हीरो जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करे। उनके नाम में जो मिस लगा है वो बताता है कि मिस मार्वल एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। Tell me why I should let this continue. Look, Miz, can I call you Miz? We're up here to get to the fractals before doom. And we did it. Now go do your job and let us hammer out the dents. मिस मार्वल एक फेमिनिस्ट सुपर हीरो है जो मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में कई फीमेल कैरेक्टर्स को प्रमोट कर चुकी है। नंबर 7, कैप्टन मार्वल एमसीयू की पहली फीमेल लीड मूवी होगी। कैरल डेनवर्स की हिस्ट्री को देखते हुए ये तय था कि मार्वल की पहली फीमेल लीड मूवी उन्हीं पर होगी। कई फैंस इस बात से बहुत खुश हैं, पर कई फैंस चाहते थे कि पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी ब्लैक विडो पर हो। हालांकि ब्लैक विडो की अपनी मूवी आने के चांसेस हैं, पर उसको लेके अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किए गए।
पर इस साल रिलीज हुई मूवी वंडर वुमन को अगर कोई फीमेल मार्वल सुपरहीरो टक्कर दे सकती है तो वो है कैप्टन मार्वल। नंबर 7, रोग ने कैरल की पावर चुरा ली थी। कैरल डेनवर्स की प्रॉब्लम कम नहीं थी कि ऊपर से फ्यूचर देखने वाली म्यूटेंट डेस्टिनी ने मिस्टिक को बताया कि कैरल डेनवर्स रोग की जान ले सकती है। मिस्टिक ने जब अपनी बेटी को ये बात बताई तब उसने कैरल पर अटैक कर दिया और उसकी पावर्स और मेमोरी चुरा ली। इसीलिए कुछ समय तक रोग वो सब कर सकती थी जो कैरल कर सकती थी, और इसीलिए अगर आपने कार्टून में रोग को देखा हो तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और उड़ने की ताकत थी, पर मूवी वाली रोग के पास ये पावर्स नहीं है। नंबर 8, सिविल वॉर कॉमिक सीरीज। मार्वल सिविल वॉर कॉमिक सीरीज में कैरल डेनवर्स आयरन मैन के प्रो रजिस्ट्रेशन टीम की साइड होती है, पर सिविल वॉर 2 में कैरल ना ही सिर्फ आयरन मैन के खिलाफ होती है बल्कि वो अपोजिट टीम को लीड भी कर रही होती है। मार्श गेव अस ऑर्डर्स एंड दे आर स्टिल इन इफेक्ट। Take them into custody and get Cap to a medic pronto. Captain Marvel का Civil War 2 में मकसद होता है कि मुसीबत को होने से पहले ही रोक देना चाहिए, जबकि Iron Man का ऐसा मानना नहीं था। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारी सुपर कॉमिक सीरीज Civil War और Civil War 2 को देख सकते हैं। नंबर 9, ब्री लार्सन। 2014 में जब ये मूवी अनाउंस हुई तब सारे फैंस सोच में पड़ गए कि किस एक्ट्रेस को कैरल डेनवर्स का रोल करने को मिलेगा। कई लोगों का मानना था कि शिकारियों की एमिली ब्लंट या मिशन इम्पॉसिबल की रेबेका फर्ग्यूसन इस रोल के लिए परफेक्ट हैं, पर स्टूडियो ने कुछ बड़ा ही सोच रखा था। रूम मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन को ये रोल मिला, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया अपने ट्विटर पोस्ट से। नंबर 10, बेस्ट राइटिंग टीम। मार्वल स्टूडियो ने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया कि निकोल पर्लमैन और मैग लेफॉव साथ मिलकर इस मूवी की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। निकोल पर्लमैन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की को राइटर हैं और मैग लेफॉव को जाना जाता है पिक्सार की फेमस मूवी इनसाइड आउट के लिए। साथ ही साथ कैप्टन मार्वल मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे हैं रायन फ्लेक और एना बोर्डेन, ये दोनों ही जाने जाते हैं नेल्सन और मिसिसिपी ग्राइंड के लिए। कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज होगी एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल्ड मूवी से एक महीने पहले, जिसका मतलब हमें कैरल डेनवर्स की कैप्टन मार्वल दिख सकती है एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल्ड मूवी में। तो गाइज, ये थी कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल के बारे में 10 बातें। अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता है कैप्टन मार्वल के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।